सो गाइस BDTH का ये वाला पार्ट एंड तक जरूर से देखना क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा गजब का होने वाला है जिसको देखकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आइस एम्परर को युंडू और युनचा के साथ में फाइट करते हुए देखते हैं, जहां पर वो दोनों ही कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगे थे आइस एम्परर के ऊपर, जिनसे छुटकारा पाने के लिए आइस एम्परर यहाँ पर ले आते हैं अपने जुआन बिंग और लॉन्ग जियांग नाम के आइस ड्रैगन को, जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ उनका पावर लेवल भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो बहुत ही तेज रोर करते हुए पीछे पड़ जाते हैं युंडू और युनचा के। और उन ड्रैगन्स के पावर्स के बारे में युंडू और युनचा बखूबी जानते थे, इसीलिए फिर वो दोनों ही खुद को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में भागते हैं। लेकिन आइस एम्परर उनसे कहते हैं कि इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो। वो उन दोनों ही युंडू और युनचा के ऊपर बहुत ही तगड़े हिट कर देते हैं, जिसके बाद फिर जुआन विंग और लॉन्ग जियांग अपने आइस क्रिस्टल्स के पावर से उन दोनों की ही बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। युंडू और युनचा ड्रैगन से इतने ज्यादा घबरा चुके थे, वो लोग अपनी फुल स्पीड का यूज कर रहे होते हैं उनसे बचने के लिए, लेकिन आइस एम्परर ने उनको फुली कमांड दिया हुआ है कि आज इनको नहीं छोड़ना है। और तभी वो ड्रैगन्स एक साथ ही अब उनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन शायद युंडू और युनचा भी इस बात के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके आए थे, क्योंकि तभी वो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं अपने एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो इन आइस ड्रैगन्स को क्रिस्टल्स में तोड़कर अलग कर देता है। वो अकेले ही इन दो आइस ड्रैगन्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम वहीं पर एल्डर टैंग शैन को देखते हैं, जो कि फाइट कर रहे होते हैं युनजू और युनफू के साथ में, और ये दोनों मिलकर ग्रेट एल्डर टैंग शैन को बहुत ही पूरी तरीके से बीट कर रहे थे, क्योंकि युनजू और युनफू एल्डर को मार मार कर उनको नीचे जमीन पर पटक देते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड होने के साथ साथ कमजोर भी हो चुके थे। लेकिन ग्रेट एल्डर टैंग शैन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो ये साफ साफ देख सकते थे कि उनके चारों तरफ ही मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना फैल चुकी है और वो मित्तल फैमिली को हराने ही वाली थी। तभी उनकी नजर आसमान पर जाती है, जिसमें बहुत ही जोरों की बिजली कड़कने लगती है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि जरूर ये युंडू और युनचा ही होंगे जो कि आइस एम्परर को फाइटिंग में बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हाई बोदोंग भी उससे हार जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो मित्तल फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। तभी युनफू और युनजू टैंग शैन के सामने आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखो, अब हमारे ख्याल से तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। हम चाहें तो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, लेकिन हमें रोक रही है तो केवल एक ही चीज, क्योंकि हम लोग कई सालों से दोस्त के जैसे एक दूसरे को जानते हैं, और इसी चीज को देखते हुए हम सुजरिन से भी कह देंगे कि वो तुम्हारी जान को बख्श दें और तुम्हें ना मारें। तो फिर टैंग शैन उन दोनों से ही कहने लगते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है, भले ही हमारी मित्तल फैमिली को सबसे प्यारा पैसा है, लेकिन तुम कभी भी मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। मगर ये सोचते हो कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, तो ऐसा आज तो क्या कभी भी नहीं होगा। और फिर वो दोबारा से उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही तुम लोगों से लड़ते हुए आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अगर मैं मारा गया तो अपने साथ साथ तुम दोनों को भी ले डूबूंगा। और फिर वो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। युनजू कहता है कि तुम शायद अपनी जिद को नहीं छोड़ोगे, इसीलिए हमें माफ कर देना क्योंकि हम तुम्हें अब नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि अगले ही पल वो एल्डर टैंग शैन को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारने लगते हैं। इस तरीके से अगर ज्यादा देर तक उनकी पिटाई की गई तो वो शायद मर भी सकते हैं। तभी मित्तल फैमिली के वॉरियर्स देखते हैं कि अब ग्रेट एल्डर हार चुके हैं, अब और ज्यादा लड़ना उनके बस की बात नहीं रही, इसीलिए उन लोगों को लगने लगता है कि अब हम लोग जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि तभी युनफू और युनजू युंडू और युनचा की मदद करने के लिए चले जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे इस हाई बोदोंग को हराने के लिए, जिसके बाद फिर ये चारों ही डो हुआंग लेवल वाले बंदे आइस एम्परर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आइस एम्परर खुद को इन सभी के अटैक से बचाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। वो लोग यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड टेक्निक्स का यूज करते हैं, उनकी एक भी स्वॉर्ड आइस एम्परर को टच भी नहीं कर पाती। उनके फास्ट रिफ्लेक्सेस इसमें उनके काफी ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन तभी चालाकी के साथ में युनजू और युनफू मौका पाकर आइस एम्परर के डुओ की विंग्स के ऊपर अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इविल फॉर्मेशन थी। युंडू और युनचा कहते हैं कि हाई बोदोंग, अब तुम्हारी मौत पक्की है। आइस एम्परर भले ही यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके थे, लेकिन वो भी हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसी वक्त ये चारों ही एल्डर्स मिलकर उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आइस एम्परर चाहकर भी एक जगह से नहीं हट पाते। वो फॉर्मेशन उनको बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेती है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि हाई बोदोंग को किसी सूली पर टांग दिया गया हो, जिसके बाद फिर ये चारों ही एल्डर्स मिलकर बना लेते हैं एक डेडली कॉम्बिनेशन, जिसका आज शिकार होने वाले हैं आइस एम्परर। रॉयल फैमिली के मास्टर ये सब कुछ देखते हुए कहते हैं कि लगता है आज हाई बोदोंग का नामो निशान मिट जाएगा और उसकी मित्तल फैमिली का भी, और वो कायरों की तरह केवल ये सब कुछ देख ही रहे थे और अफसोस कर रहे होते हैं कि वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन तभी उन लोगों की नजर पड़ती है एक बहुत ही तेजी के साथ में आ रही चीज के ऊपर, और उसी वक्त ये चारों ही एल्डर्स अपना डेडली कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, जो कि सीधा हिट होने को जा रहा था आइस एम्परर से। लेकिन डायरेक्टली उस अटैक के सामने आ जाती है एक अनजानी पावर, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था कि आखिर ये है क्या, और वो इतने बड़े पावरफुल अटैक को बिना डॉज के
ये अपने ऊपर ही ले रहा था। आइस एम्परर कहने लगते हैं कि रास्ते से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। ये चारों ही एल्डर्स अनजानी शक्ति से कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के काम में दखल अंदाजी करने की। इसीलिए वो सभी के सभी ऐसा देखकर अपने पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि ये जिसने भी उनके अटैक को रोका हुआ है वो उनके रास्ते से हट जाए। यहाँ तक कि वो लोग अपने सभी से ज्यादा पावरफुल डेडली कॉम्बिनेशन को तक यूज कर लेते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये है क्या और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन वो तो असल में होता है शाओयांग और वो इन चार लोगों के अटैक को केवल अपनी एक फ्लेम की मदद से रोककर उन्हीं लोगों के ऊपर हिट कर देता है, जिसको देखकर इस बैटलफील्ड के हर एक बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही साथ शाओयांग ने आइस एम्परर को भी उनकी उस फॉर्मेशन से रिलीज करा लिया था। वो देखते हैं कि ये चारों ही एल्डर्स केवल इस बंदे के एक ही अटैक से पीछे की ओर हट गए और इस पावर को देखकर एल्डर्स कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो, हम आपका नाम जानना चाहेंगे जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है। और शाओयांग अपने फ्लेम के फॉर्म में ही सभी लोगों से कहने लगता है कि केवल 3 साल से नहीं देखा तो तुम लोग मेरा नाम भी भूल गए, लेकिन मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की इस बात ने मुझे सरप्राइज कर दिया कि उन्होंने अभी भी अपने से कमजोरों को बुली करना नहीं छोड़ा, बल्कि इस बार तो 4-4 लोग भी एक बंदे को मारने की कोशिश कर रहे थे। युंडू और यंचा कहने लगते हैं कि ये मत सोचना, हम 4 लोग जो इसके साथ में कर रहे थे वो तुम्हारे साथ में नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारी भलाई केवल इसी में है कि तुम जहाँ से भी आए हो वहीं पर वापस लौट जाओ, क्योंकि इस गामा एम्पायर के अंदर इतनी ताकत किसी में भी नहीं है कि वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की ताकत का सामना कर सके। युंडू से कहने लगता है कि तुम तो ऐसे ही हमारे सामने आ गए, लगता है कि तुम अभी इन कामों में एक नौसिखिया हो। शाओयांग कहने लगता है कि मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों ने मुझे 3 साल से नहीं देखा। और फिर वो सभी के सामने अपनी रियल फॉर्म में भी आ जाता है, जिसको देखकर आइस एम्परर, शाओडिंग और याफेई इन तीनों के ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही साथ ग्रेट एल्डर टैंग शैन भी शाओयांग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो कहने लगते हैं कि आखिरकार हमारा हीरो वापस आ ही गया। शाओयांग कहने लगता है कि मैं गामा एम्पायर के शाओ फैमिली का शाओयांग ही हूँ, वापस आ चुका हूँ अपना सारा का सारा कर्ज उतारने के लिए। तो युंडू शाओयांग से कहता है कि सच में तुम यहाँ पर मरने के लिए ही आए हो, और ऐसे टाइम पर जब हम तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्तों को खत्म करने वाले थे। शाओयांग कहने लगता है कि इतनी आसानी के साथ में मैं कैसे मर सकता हूँ जब तक कि मैं युनशान के सर को अपने पैरों से कुचल नहीं देता। तो युनचाओ से कहने लगता है कि लगता है कि तुम भी यहाँ पर मर के ही मानोगे, और वो अपने बाकी के वॉरियर्स को बुलाने के लिए सिग्नल को भेज देता है, जिससे कि फिर अगले ही पल यहाँ पर डो हुआंग लेवल के काफी सारे वॉरियर्स आ जाते हैं। मिस्टिक क्लाउड वाले कहने लगते हैं कि अब तुम हमारा सामना कैसे करोगे। साथ ही साथ आइस एम्परर भी शाओयांग से कहते हैं कि हमें हर एक कदम संभल कर ही उठाना होगा, लेकिन शाओयांग के केवल ताली बजाते ही यहाँ पर उसके बाकी के सभी छुपे हुए जहाज बाहर आ जाते हैं, जो कि केवल इसी मौके का ही इंतजार कर रहे थे कि शाओयांग कब उन्हें इशारा देगा। और फिर ये सभी के सभी जहाज काफी तेजी के साथ में मिस्टिक क्लाउड वालों के मुंह के आगे से निकल आते हैं। वो लोग इसी बात को सोच रहे थे कि आखिर इतने सारे वॉरियर्स कहाँ से आ गए। लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी हम सबसे पहले बैड एस एंट्री मारने वाले शाओ ली को देखते हैं, जो कि लिन जोया के साथ में दिव्य दर्शन अपने सभी को कराता है। साथ ही साथ लिन यान भी यहाँ पर अपना एक बहुत ही गजब का लुक देता है ताकि उनके दुश्मनों के बीच में एक खौफ पैदा हो सके, जिसके बाद फिर ये सभी के सभी वॉरियर्स एक ही साथ में आसमान से आग के गोलों की तरह बरसने लगते हैं। मिस्टिक क्लाउड वाले इन सभी की इतनी ज्यादा जबरदस्त एंट्री को देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि इस बार मुकाबला टक्कर का होगा। और शाओयांग की टीम के एक बहुत ही गजब के लुक के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो फाइट होने वाली है वो भी बहुत ही ज्यादा बैडएस होगी, जिसको अगर देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।